Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग बच्चों, वॉइस में रूल 12 वॉइस ऑफ बेयर इन्फिनिटिव। मैंने देखिए, आज हम लोग एक्टिव टू पैसिव वॉइस में बेयर इन्फिनिटिव का एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, इन्फिनिटिव भारू का वैसा रूप होता है जो टू के साथ आएगा और बिना टू के साथ भी आ सकता है। तो जो बिना टू के साथ आएगा उसी वाला भर्ब को हम क्या बोलेंगे, बेयर इन्फिनिटिव। जैसे एग्जाम्पल कुछ देखिए, यहाँ पर इसे देखिए, आई एम टू लाफ। तो यहाँ पर देखिए, लाफ क्या है, भर्ब का पहला रूप और ये आगे लगा हुआ है टू। तो ये जो टू प्लस पीवी वन है इसको बोलेंगे इन्फिनिटिव, केवल इन्फिनिटिव। लेकिन अगर ऐसा रहता है सी मेक्स मी लाफ, तो यहाँ पर भी देखिए लाफ है पीवी वन, लेकिन लाफ के आगे में टू लगा हुआ नहीं है। तो ये वाला जो पीवी वन है इसको हम बोलेंगे बेयर इन्फिनिटिव। देखिए यहाँ पर भी लाफ है, यहाँ पर भी लाफ है, लाफ के आगे टू नहीं लगा हुआ है, बेयर इन्फिनिटिव। लाफ के आगे टू लगा हुआ है तो इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव दो तरीके से होता है, एक जेंडर जो रहता है इन्फिनिटिव टू प्लस पीवी वन वाला, और एक इन्फिनिटिव जिसमें टू नहीं रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, बेयर इन्फिनिटिव। और आज हम लोग इसी का एक्टिव टू पैसिव देखेंगे। तो देखते हैं इसका एक्टिव में पैटर्न कैसा रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, एक्टिव वॉइस में पैटर्न रहेगा पहले सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब। ऐसे यहाँ पर पीवी वन पीवी टू कुछ भी रह सकता है, लेकिन चूंकि हम लोग वॉइस देख रहे हैं इसमें जनरली पीवी टू ही आता है। पीवी टू मतलब यहाँ पर मेट्स नहीं देकर के मेट रहेगा, मेट क्या हो गया दूसरा रूप। उसके बाद यहाँ पर नाउन रहेगा और नाउन के बाद क्या रहेगा, पीवी वन, और यही पीवी वन क्या कहलाएगा, बेयर इन्फिनिटिव। आप चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं बेयर इन्फिनिटिव। ध्यान दीजिएगा ये पैटर्न किसका हो गया, एक्टिव का। अब अगर इसको पैसिव बदलना है तो पैसिव कैसे बदलिएगा, ध्यान दीजिएगा यहां पे पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बदलने के लिए ये जो नाउन रहेगा इसको आगे लाना है, नाउन आगे आ गया। और आप कीजिए, ये पीवी टू किसका है, सिंपल पास्ट टेंस का, किसका है, सिंपल पास्ट टेंस। और सिंपल पास्ट टेंस का जब एक्टिव से पैसिव बनेगा तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, बाद या बेयर, उसके बाद क्या निकलेगा, पीवी थ्री। समझिए बात को, प्रिंसिपल वर्ब का दूसरा रूप, इसके बदले दो चीज देना है, एक बाद और बेयर, और एक वर्ब का तीसरा रूप। उसके बाद ये जो बेयर इन्फिनिटिव है इसको बदलना है टू पीवी वन में। ध्यान दीजिएगा, बेयर इन्फिनिटिव को बदलना है इन्फिनिटिव में, और उसके बाद क्या लगाना है, बाई प्लस एजेंट, बाई प्लस एजेंट, ये बन गया पैसिव वॉइस। अब इसका एग्जांपल देख लीजिएगा, एग्जांपल देखिए, आई सॉ राम प्ले। ध्यान दीजिएगा, आई क्या हो गया, बोलो सब्जेक्ट, सॉ सी का दूसरा रूप, सी मैंने देखना, और इसका दूसरा रूप क्या है, पीवी टू, और ये राम क्या हो गया, नाउन, और प्ले मैंने खेलना, काम हो रहा है पीवी वन। अब पैटर्न मिलाइएगा, सब्जेक्ट पीवी टू नाउन और पीवी वन, पीवी वन मतलब बेयर इन्फिनिटिव। ये पैटर्न किसका है, एक्टिव वॉइस का। अब बदलना किसमें है, पैसिव में। अब देखिए कैसे पैसिव में बदलेंगे, सबसे पहले नाउन को आगे लाइए, जो नाउन है उसको आगे लाइए, कौन है, राम। अब राम जो है वो सब्जेक्ट को देख लीजिए, उसके बाद बाज या बेयर में डाल दीजिए कोई भी, तो राम सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, बाज। और ये जो पीवी टू है, पीवी टू है इसका तीसरा रूप, तो देखिए पहला रूप सी है, दूसरा साव है, और तीसरा सीन होता है, ठीक है। तो ये पीवी टू से दो को निकल गया, उसके बाद टू प्लस पीवी वन, तो ये जो पीवी वन है बेयर इन्फिनिटिव वाला जो है उसी को लिखेंगे टू प्लस पीवी वन, तो टू और पीवी वन क्या हो गया, पले। और उसके बाद बाई प्लस एजेंट, तो बाई और एजेंट कौन है, देखिए आई का एजेंट बी हो जाएगा, ये क्या बदल गया, पैसे वन, क्लियर। और एक आदमी आपको देखिए, जैसे आई मेड सोनम ला, ये भी देखिए एक्टिव वर्ब में है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आई क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब देखिए मेड जो होता है ये पहला रूप और मेड दूसरा रूप, तो ये वर्ब का दूसरा रूप। उस
सोनम क्या हो गया? नाउन। और ये ला बी भी देखे पैटर्न, सब्जेक्ट पी भी टू नाउन और वेयर इन्फिनिटी वन, बिना टू वाला पी भी वन वेयर इन्फिनिटी। अब इसको बदलिए पैसिव में। पैसिव में बदलने के लिए क्या कीजिएगा, जो नाउन है उसको आगे लाइए। नाउन कौन है? सोनम को आगे लाइए। सोनम सिंगुलर है तो सिंगुलर में क्या लगेगा? बाद। उसके बाद पी भी थ्री, ध्यान दो, मेड का पी भी टू और मेड का पी भी थ्री दोनों सेम है, मेड ही रह जाएगा, ये तीसरा रूप है दूसरा नहीं। उसके बाद टू प्लस पी भी वन, टू प्लस पी भी वन किसका होगा? बेयर इन्फिनिटिव का इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव कौन है? लाख, तो लाख का होगा टू लाख, हो गया। उसके बाद बाई प्लस एजेंट, तो बाई और आई का एजेंट मी, ये बन गया पैसे बॉयस। तो इस प्रकार से बेयर इन्फिनिटिव वाला एक्टिव वॉइस को पैसे वॉइस में चेंज करना, ठीक है, यहां तक नोट कीजिए। देखिए रूल 13, कुछ बाकियों में ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट दोनों आते हैं। समझिएगा बात को, ट्रांजिटिव वर्ब और इन ट्रांजिटिव वर्ब, दो तरह का वर्ब है ऑब्जेक्ट के आधार पर। वैसा वाक्य जिसमें ऑब्जेक्ट लगा हुआ रहेगा उस वर्ब को हम बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब, और वैसा वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहे उसको क्या बोलेंगे? इन ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन अभी बात किसका हो रहा है? ट्रांजिटिव, यानी इस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट रहेगा। लेकिन एक दिक्कत और है कि ऑब्जेक्ट के साथ अब कंप्लीमेंट भी दे देगा। जैसे इसका पैटर्न देखिए एक्टिव में, एक्टिव वॉइस में इसका पैटर्न क्या होगा? सब्जेक्ट, उसके बाद प्रिंसिपल वर्ब का दूसरा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर कंप्लीमेंट। तो यहां पर देखिए जो वर्ब है इसके साथ ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट दोनों है, यानी एक ऐसा ट्रांजिटिव वर्ब है जिसके पास ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट दोनों है, तब इसको पैसिव में कैसे बदलेंगे? तो यहां पर देखिए पैसिव बदलने के लिए, पैसिव बदलने के लिए क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिए, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको आगे ला करके क्या बनाइएगा? सब्जेक्ट वन। ऑब्जेक्ट को आगे ला करके सब्जेक्ट वन। उसके बाद पी भी टू से क्या निकलता है, जिसे भी जस्ट देख रहे थे इसके पहले वाला में, पी भी टू से निकलता है बाज और तीसरा रूप, तो पी भी टू से निकलेगा बाज या बेयर, सब्जेक्ट के अनुसार जो यहाँ पर सब्जेक्ट लेगा उसके हिसाब से बाज या बेयर दीजिएगा। उसके बाद क्या लगेगा? पी भी थ्री। उसके बाद ये जो कंप्लीमेंट है ये उतर जाएगा, बाकी हो गया, इसमें बाई एजेंट नहीं लगाना। इसे देखिए सब्जेक्ट पी भी टू नाउन और वर्ब, अब इसमें चेंज क्या होगा, इसमें सब्जेक्ट पी भी टू तक रहेगा, नाउन रह भी सकता है क्योंकि ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में कुछ भी रह सकता है, नाउन प्रोनाउन कुछ भी रह सकता है, तो यहाँ पर ये भी हो सकता है, लेकिन ये पीछे में जो पी भी बनेगा वो नहीं रहेगा, अब उसके जगह पर कोई अदर नाउन या प्रोनाउन रहेगा, नहीं कंप्लीमेंट रहेगा। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल बी मेड हिम चेयरमैन। देखिए बी क्या हो गया? सब्जेक्ट, और मेड क्या हो गया? वर्ब का दूसरा रूप, हिम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, और ये चेयरमैन सभापति, ये क्या हो गया? कंप्लीमेंट। देखिए उस समय आ रहा था इसके बाद कोई वर्ब, अब इसके बाद वर्ब नहीं है, ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक्टिव वॉइस। अब बदलिए पैसिव में, कैसे बदलिएगा पैसिव में? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट वन, तो हिम का ही, और ही के साथ क्या लगेगा? बाज, और तीसरा रूप मेड का मेड ही होगा। उसके बाद कंप्लीमेंट उतार दीजिए चेयरमैन, बस बन गया। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आगे का पार्ट जो है यहां से यहां चेंज कीजिए, बाकी पीछे वाला उतार दीजिए, ठीक है। और एग्जांपल देखिएगा, बी मेड हिम कैप्टन ऑफ आवर टीम, हो गया। अब ध्यान दीजिएगा बी क्या हो गया? सब्जेक्ट, मेड हो गया दूसरा रूप, हिम हो गया ऑब्जेक्ट, और बाकी ये जो बच गया पूरा क्या है? कॉम्प्लीमेंट। अब बनाइए इसका पैसे, तो हिम को आगे लाएंगे तो क्या बनेगा? ही। उसके बाद बाज, वर्ब का दूसरा से तीसरा करिएगा तो मेड, और जो कॉम्प्लीमेंट है पूरा उतार दीजिए, कैप्टन ऑफ आवर टीम, बन गया पैसे। क्लियर, नोट कीजिए यहां तक।